नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। पलामू के पांकी में धारा 144 लागू, पूरा पांकी पुलिस छावनी में तब्दील। पलामू पांकी में महाशिवरात्रि पर बने तोरण द्वार विवाद में दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी, कई लोग हुए घायल। पलामू जिले के पांकी के इलाके में महाशिवरात्रि पर बने तोरण द्वार विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ है। इस बीच बचाव करने गई पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। क्या है मामला? जानकारी के अनुसार पलामू जिले के पांकी इलाके में महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार को लेकर दो गुटों में विवाद था। बुधवार को इसी विवाद को लेकर दोनों गुट जमे हुए थे। इसी बीच दोनों गुटों में विवाद बढ़ा और जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी पत्थरबाजी में 12 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि बीच बचाव के लिए करने गई पुलिस पर भी दो गुटों ने जमकर पत्थरबाजी की है। इसी पत्थरबाजी में कई पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं। अगल बगल के इलाकों में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया है। समाचार लिखे जाने तक इलाके में स्थिति भयावह बनी हुई है। पांकी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं पूरे पांकी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड।